Hi guys, welcome back to my channel. This is Alina Mirza and I'm back with a new vlog. So that's the part 3 of the Faridabad trip. So let's just begin and I'm gonna be like putting the recap first. So yeah. Gulabsha. Seesaw. Up and down. Which is ये है व्यू यहाँ का. यह व्यू है फ्रॉम द 14th फ्लोर एंड दिस इज अ गुड वाइब हियर. वहां से देख सकते हैं यहाँ पर एक और क्या बोलते हैं इसे, वही से क्या बोलते हैं ये हरियाली एरिया को क्या बोलते हैं हरियाली. ये गुलाब्शा मेरी दोस्त और ये बालकनी बहुत प्यारी सी और इसका व्यू बहुत प्यारा है और नाइट में तो इतना अच्छा लगता है. वो ना नर्सरी है मेरी. हाँ वो नर्सरी थी. ये रूम है जहाँ पे हम बैठते हैं. अभी हमने चाय नाश्ता किया है ये और इसकी दीदी ने बनाए पराठे बहुत जबरदस्त. और ये हमारा वॉशरूम है. अभी वो बन रहा है. क्या बन रहा है? चीज सैंडविच. और अभी चीज सैंडविच बना रही है वो दीदी. और ये है वो, ये लिविंग रूम टाइप. और ये मैं हूँ और मैंने एक लॉलीपॉप खाई है जिससे मेरी पूरी जबान जो है ब्लू कलर की हो गई है. शॉट बनाओ पीछे से आऊंगी. यार मैं क्या सोच रही हूँ ये करना चाहिए. हाँ देखिए हम इतनी तपती हुई धूप में पता नहीं कहाँ जा रहे हैं. तैयार होके इतना आगे से मेरे को देख. हाँ क्या करूँ. अच्छा हाँ ये होता है मैं भी करती हूँ. बोल 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 मनी. अब हम जा रहे हैं नर्सरी में प्लांट पौधे खरीदने और आई जस्ट शो यू द वाइब. ओह माय गॉड हवा चलने लगी है और ये इसको लग रहा है गुलाब्शा को लग रहा है रिकॉर्डिंग हर पट ऐसा कुछ भी नहीं है. रिकॉर्डिंग माय सेल्फ. बड़ा वाला सही बताओ आप तो ऐसे बोल दिए कि वापस चले जाऊंगा. पैर वापस ले लूँ. अच्छा तो निकालना भरा हुआ एकदम. अच्छा अंकल आइए आगे वाला नहीं. अच्छा वाले थोड़े फूल वूल आ रखे कुछ ऐसा वाला. मतलब किस चीज का ही है? किस चीज का है पता तो कर ले पहले किसी. हाँ ये भी क्यूट लग रहा है ना. हैंगिंग वाले ले ले. ये क्यूट लग रहा है. हैंगिंग लगाएंगे काम. यार ये वो हैवी सा नहीं है. सो दैट्स अ नर्सरी एंड ओह माय गॉड देयर आर चेयर्स ओवर देयर केप्ट समवेयर लाइक लॉट ऑफ प्लांट्स. ओह व्हाट इज दिस. दैट्स अ वाइट कलर्ड प्लांट. देसी और विदेशी में क्या फर्क हो रहा है? सुन क्या रही है? मुझे लगा खुशबू आती होगी. मधु कामिनी दहानी की आती होगी इसमें. यार तो क्या करें? ये तो मन कर रहा है कि फोटो आ जाए यहाँ पे बढ़िया. That's a nursery, not even a खेत. तू पता है फ्लावर लग रही है? वो फ्लावर लग रही है. गाइस हम जा रहे हैं ट्रैक्टर पे बैठने. इसने अंकल से पूछ लिया कि हम ट्रैक्टर पे बैठ सकते हैं. लड़का बैठ जाओ. अपना ही ट्रैक्टर अपना ही भाई. तू पहले बैठ फिर फोटो ले रही हूँ फिर मैं बैठूंगी. ठीक है बैठ बैठ बैठ. देख ट्रैक्टर पे चढ़ गई है और इसकी मैं फोटो लूंगी अभी यहाँ से. क्या बोल रही है ट्रैक्टर वाले? मुझे भी बैठना है यार. सुनना तेरी फोटो कैसे लूँ? ऐसे लूँ यहाँ से? थोड़ी सी ना डला रही है. कैमरे से तुलसी की चाय बनाएगी? हाँ पता है मुझे. गेट इनसाइड द कार. चलना जाइए मेरे से. फिर चल जाए. नहीं चलेगा. हाँ भाई कहाँ जा रहे हैं? मैडम हमें छोड़ दो आगे तक. हमारी साइकिल खराब हो गई. फोटो ले मेरी जल्दी से. हो गई सी.
क्यूट है यार, छोटा सा। हेलो, मिठू मिठू, हाँ हाँ, कैसे हो? मिर्ची चाहिए? मिर्ची, हाँ मिर्ची चाहिए। मिठू 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 मिठू, हाँ मिठू, मैंने ऐसी वीडियो बना ली। तूने वीडियो बना दी? नहीं नहीं, अब भी बना रही हूँ। फोटो भी लेनी ना? हाँ, तेरी तो फोटो ली मैंने, वीडियो लेकिन हमेशा और जो मेरी गाड़ी में हरियाली हो गई, गाड़ी में हरियाली हो गई। ओ पूल, इधर देखो एक पूल लग रही है, देख पीछे देखियो। मुझे ट्रेडिशनल डांस पसंद है, जो बिल्कुल ऑथेंटिक होता है ना, सीखना मेरा मन करता है इस वाले गाने पे सीखने। और इन्हें आप क्या बोलना चाहती हैं? ये बहुत देर से ना ओम ओम स्वीट्स वगैरह सब कुछ कर रही थी, एंड फाइनली हम आ गए हैं, एंड शी वाज लाइक अच्छा था, मतलब इसका अच्छा लगा। तो आप ओम स्वीट को कितनी रेटिंग देना चाहती हैं? और क्वांटिटी? क्वांटिटी कम है इनको, हर जगह की क्वांटिटी कम लगती है गाइस, पता नहीं। ये देखो इजी एज, हमारा बिल आ गया। हमारा बिल आ गया। मेरा बैग ना टूट गया है, एंड आई जस्ट केम बैक, जो है इसमें वो रह गया था पर्स, सो मैं पर्स लेने वापस आई हूँ। बाकी सब लोग थक गए, हम लोग पौधे जो है पूरा फ्लैट में लगाया, जिसमें बहुत टाइम लग गया है। ऑब्वियसली अकेले थोड़ा ना करता, अकेले कौन करता, अकेले तो बोरिंग सा होता है बहुत। क्या फिर अकेले तो बोरिंग ही होता है अकेले ना? हाँ अकेले तो बोरिंग होता है। ओके सो अभी हम आए हैं बाहर से चाट वाट खा के खूब मजे से, और अभी जो है दीदी जो है यहाँ पे, इसकी दीदी जो है बहुत अच्छा मटर पनीर बना रही है, और वी आर जस्ट सुपर एक्साइटेड टू टेस्ट द मटर पनीर।
और बाहर का जो बालकनी है मैंने आपको वैसे दिखाई दी इसकी वाइब, बट इट्स सो ब्यूटीफुल एंड नाउ आई एम सुपर टायर्ड. या सो मैं आई थिंक आई एम गोइंग टू बी लाइक गेटिंग द बेटर. एलेक्सा आस्क मी फनी क्वेश्चंस. एलेक्सा एक तारीफ करने में तुम्हारा क्या जा रहा है? एलेक्सा वॉल्यूम 9. What is volume 9? It's a bad song. Volume 9 is a bad song. Don't play Alexa, bad songs. Volume 9. Alexa, meri tareef karo. Nahi. Tareef to ho jayegi, lekin phir nazar kaun utarega? Kya? Oh, oh. Alexa ne bahut acha bol diya yaar. Alexa, tareef to ho jayegi, par nazar kaun utarega? Aapki awaaz bahut achhi hai. Oh. Tum try kyun nahi karte? एलेक्सा हमें ये सब एलेक्सा क्या हो गया, सो गई क्या? मुझे नींद ना आए, नींद ना आए, नींद ना आए. एलेक्सा तो बड़ी फिल्मी है. एलेक्सा तुम तो मेरा बॉयफ्रेंड बनवा रही हो. एलेक्सा एक जोक सुनाओ. चलो सो गई क्या एलेक्सा? मुझसे बातें शुरू करने के लिए बस मेरा नाम पुकारे. तो एलेक्सा चलो एक जोक सुना दो जल्दी से. एलेक्सा जोक सुनाओ. डॉक्टर ने पेशेंट को दवा देकर हफ्ते भर बाहर आने को कहा, लेकिन पेशेंट अगले ही दिन अपनी पत्नी के साथ आ गया. डॉक्टर ने कहा, तुमने हफ्ते भर की दवा दी थी, फिर तुम एक ही दिन में क्यों आ गए हो? पेशेंट की पत्नी बोली, डॉक्टर साहब आपने कहा था दवा 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम को खाना, लेकिन एक ही चम्मच गले में घस गया है, दूसरे की नौबत ही नहीं आई. एलेक्सा तुम तो बहुत फनी हो. एक समय था जब मोबाइल गिरे तो बैटरी बाहर आ जाती थी, अब गिरता है तो कलेजा बाहर आ जाता है. तरीका दिख रही है सब बोलने का. कलेजा बाहर. गुड एलेक्सा, गुड एलेक्सा, तुम्हारे जोक बहुत अच्छे हैं. सॉरी मुझे ये नहीं पता. एलेक्सा एलेक्सा प्रेज मी. श्योर आई हैव सो मेनी गुड थिंग्स टू से अबाउट यू. ओके श्योर आई गो. You shine brighter than a mobile in a cinema hall. Wish to hear another compliment? Yeah. Please go ahead. I light up every time you take my name. Wish to hear another compliment? Alexa, please praise my friend. Sorry, I didn't catch that. Could you please repeat? तो अब हम देखते हैं किचन में क्या चल रहा है. ओ माय गॉड वाओ.
What a food. मटर पनीर और गोल गोल रोटियां. Just look at this. किसने बनाई है? कहाँ गई है? So, ये जिसने भी बनाई है हम उनको जरूर दिखाएंगे, उनका इंटरव्यू लेंगे बहुत जल्दी. और ये देखिए थोड़ा सा हम बनाते हुए, आप कमेंट में गेस करिए कौन हो सकता है ये. कुछ नया क्या है ना तुमने? मैं ब्रज पानी पर चांदी कैसे क्या? You need to be an Amazon Prime member to be able to play Caravan Guzar Gaya from Amazon Music. Would you like to learn more? Alexa, play Nashe Se Chad Gayi. Nashe Se Chad Gayi by Vishal and Shekhar, Arijit Singh, Paralisa Montaigne, and Jaideep Sahani from Jio Saavan. Just ask Alexa to play your favorite playlists. And play Haryana. Haryana. To be. by Gary Sandhu, Kakkar and Melody from Jio Saavan. I couldn't find any Haryanvi songs. Alexa. Lafsha. So, यहाँ पर बहुत मन था कि एक्सरसाइज करेंगे और बहुत ही यू नो, बट हो नहीं पाया. एक दिन में एक दिन की एक्सरसाइज में कुछ होता भी नहीं, बट स्टिल वो देखो दीदी जो है जा रही है. शी इज वेरी क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल एंड लाइक बिजी डॉक्टर, यू नो. सो सुबह सुबह कॉफी लेके जा, सो इनकी वजह से हमें जाना पड़ रहा है आज. इनकी वजह से हमें जाना पड़ रहा है, वरना भी हम सो रहे होते हैं, वरना भी हम आराम से सो रहे होते हैं. और बस और क्या ही बताऊँ, बस आप बताइए अब कैसा लगा आपको हमारा पूरा ये छोटा सा एक ट्रिप टाइप. बहुत मज़ा आया गाइज. हम जा रहे हैं अब फाइनली अपने अपने हैं अपने अपने घर. बहुत ही मज़ा आया इसके साथ और वाह, व्हाट अ वाइब. मिसिंग, विल मिस दिस प्लेस, विल मिस दिस मेमोरी, मेमोरेबल टाइम अ लॉट. और हमने काफी, आज हमारा प्लान था वैसे 4 बजे उठ के बहुत सारी हरकतें करने का. मैं बताती हूँ मैंने इसको जगाया 5 बजे. मैंने बोला यार 5 बज गए, उठ जा. कह रही यार बहुत नींद आ रही है, प्लीज सो रहे थे. ओके, सो माय फ्रेंड जस्ट लेफ्ट. तो अभी मैं मेट्रो स्टेशन पे हूँ बिकॉज आई हैव टू रीच, और मुझे आज मेरठ वापस जाना है. सो इसलिए आज हम सुबह सुबह निकल गए और बहुत ही ज्यादा मजा आया था. इफ यू आर वॉचिंग दिस ब्लॉग, आई हैड अ नाइस टाइम विद यू एंड आई एम जस्ट कॉलिंग यू एट माई होम. प्लीज कम that we can enjoy there too. And I think मुझे लगता है you know, memories बनाने के लिए आपको efforts करने पड़ते हैं. थोड़ा सा effort करेंगे तो आप लोग you know, अपनी friends के साथ you can create some memories, because बहुत कम time होता है मिलने मिलने का. तो
या जैसे मेरी अभी कुछ फ्रेंड्स हैं जिनसे मैं नहीं मिल पाई बिकॉज देयर वर नो एफर्ट्स. तो बस यही होता है कि अगर आपको यू नो फ्रेंडशिप रखनी है किसी से तो थोड़ा सा आप दिखाने पड़ेंगे एफर्ट्स, तभी आपकी फ्रेंडशिप अच्छी भी होती है. प्लस यही टाइम है मेमोरी क्रिएट करने का, यू नो. तो बहुत ही मज़ा आया, इट वॉज अ नाइस ट्रिप. सो अभी आई एम जस्ट गोइंग बैक. थोड़ा सा और आगे ले लीजिए, थोड़ा सा कैंपस का एक शोरूम होएगा वहाँ पे. Guys, thank you so much for watching the vlog. I hope you guys like it. Please do like, share, comment, subscribe, and do not forget to press the bell icon for more notifications. I'll be back with new videos super soon. Annyeonghaseyo.